हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू वर्ड्स सक्सेस में। और यहाँ पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि जो एलपी और एलपी एंड टेक्नीशियन का जो आपका रिजल्ट आया है, उसके अंदर जो एनईसी वाली जो पोस्ट रह गई हैं, जिनके अंदर दिखाई दे रहा है कि नॉट एलिजिबल कैंडिडेट्स, तो उन पर किस कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा, अगर नहीं होगा तो वहाँ पर जो वैकेंसी रह जाएंगी उनका क्या होगा, तो इसी बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, इसको पूरा देख लीजिए एक बार। और फ्रेंड बता दूं आपको, मैं अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूं, तो आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे वहां पर सीधे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। इसका लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, सीधे ओपन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपके पास में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप पहले से है तो आप मुझे सर्च करके भी फॉलो कर लीजिएगा। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं जो आपकी कट ऑफ आई थी, सभी रीजन की अलग अलग कट ऑफ आई थी, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर अभी जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये है आरआरबी बेंगलोर रीजन की जो कट ऑफ है, ये हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो जैसे आप कट ऑफ देखते हैं, कम्युनिटी वाइज कट ऑफ मैंने यहाँ पर ये ओपन की हुई है, तो आप इसमें देखेंगे कुछ पोस्ट के आगे एन ई सी लिखा हुआ है, ठीक है, एन ई सी एन ई सी एन ई सी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं, बहुत सारी पोस्ट में ऐसे ही एन ई सी लिखा हुआ है। एन ई सी का मीनिंग क्या है एक्चुअल में, वो भी हम एक बार यहाँ पर जान लीजिए। जैसे आप नीचे आते हैं, ठीक है, एन ई सी, तो एन ई सी का मतलब है नो एलिजिबल कैंडिडेट्स, ठीक है, नो एलिजिबल कैंडिडेट्स, यानी कि जो ये पोस्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं इनकी कट ऑफ नहीं लगाई गई है, क्योंकि नो एलिजिबल कैंडिडेट्स एट प्रेजेंट, अभी कोई यहाँ पर प्रेजेंट में एलिजिबल कैंडिडेट्स नहीं है, क्योंकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उन्होंने कुछ जो प्रेफरेंस दी हुई हैं अपनी, उसके चलते यहाँ पर अभी इन्होंने एलिजिबिलिटी ये चेक नहीं कर पाए हैं। तो जैसे जैसे बाद में आपका CVT 2 हो जाएगा, उसके बाद ये देखेंगे कि कौन कैंडिडेट किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो NEC वाली पोस्ट हैं, आपकी CVT 2 एग्ज़ाम होने के बाद में ये फिलअप की जाएंगी। तो आप ये सोच रहे होंगे कि जो NEC वाली है अगर यहाँ पे फिलअप नहीं की जा रही है तो ये वैकेंट रह जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। जैसे आपका CVT 2 एग्ज़ाम हो जाएगा, अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको सिलेक्शन का मौका यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये डाउट जो था आपका, आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि NEC वाली जो पोस्ट हैं अब ये खाली नहीं रहेंगी। लास्ट में जैसे आपका प्रीफ्रेंस के चलते ये समझ नहीं आ रहा है एक्चुअल में कि किस कैंडिडेट को किसके लिए एलिजिबल समझा जाए, ये आप ये समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि जो ITI वाले बंदे हैं उनके लगभग बहुत सारी पोस्ट की प्रेफरेंस यहाँ पर दी गई थी, तो हायर प्रेफरेंस होने की वजह से अभी जो इनको सबसे लास्ट में डाला गया होगा उसके चलते ये नहीं देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट को कहाँ पर इसको माना जाए। तो जैसे ही रिजल्ट आपका बनेगा फाइनली, फिर उसको ये डिवाइड करके जिसको टेक्नीशियन में जाना है वहाँ पर भेजते रहेंगे और पता लग जाएगा कि हाँ इस पोस्ट के लिए अब ये बच्चे बच्चे हुए हैं तो इसके लिए उनको एलिजिबल कर लिया जाएगा। तो आई होप ये डाउट आपका क्लियर हो जाना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।